अपना बच्चों का जैसे एग्ज़ाम है 1 सितंबर को एनडीए का, सीडीएस का, अब आधे बच्चों को पता लग गया उनका पेपर नहीं क्लियर होना क्योंकि उनका माइंड जो है वो पढ़ाई की तरफ है नहीं। अब बच्चे मुझसे पूछ के आ रहे हैं, सर मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताओ कि ना मेरा पेपर में ना माइंड लग जाए। पहले इन्होंने कोई स्ट्रेटजी नहीं पूछी, पहले इनके पास अपनी स्ट्रेटजियाँ थी कि हम भाई हिमाचल हरियाणा पंजाब से चंडीगढ़ आए, हम चंडीगढ़ घूमेंगे, डिस्क डुस्क जाएंगे। आप देखा पेपर सामने आ गया, पेरेंट्स पूछें कि भाई बताओ तुम्हारा पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, तो मुझसे स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं, अपने नेगेटिव पॉइंट्स ही देख रहे हैं। पहले तो तुम लोगों ने लेट उठना है, लेट सोना है, पता नहीं पूरी रात तुम्हारे लोगों के कौन से बिजनेस चलते हैं जो तुम लोग करते रहते हो। दूसरा तुम लोगों ने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, सारी रील्स देख लो तुम, सबको प्रॉफिट तुम लोगों ने देखना है। जब बात आएगी पढ़ाई की तो सामने किताब खोलोगे पढ़ोगे नहीं। हाँ अब समझ आ रहा है, आप आधे ही सोचोगे हाँ सर मैं भी यही करता हूँ, तो पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बताई हैं, खुद तो तुम्हारे पास पता नहीं कितनी होंगी। अब तुम बोलोगे मोटिवेशन दे दो, मैं आज मोटिवेशन दूंगा, कल परसों बैठ जाओगे मोटिवेट होके, उसके बाद कहोगे इसका तो काम ही भौंकना है, भौंक दिया चुप हो जाता है, यही है ना। मोटिवेशन है ना, खुद मोटिवेट होना। अब जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम जैसे साइकोलॉजी बोलती है अगर तुम किसी भी काम को 21 दिन तक करो तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है। मैं कहता लेट इट भी 21 दिन छोड़ो, 21 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, तुम 21 दिन छोड़ो, उस काम को 5 दिन करो, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ ना, तुम 5 दिन करने का प्लान बनाओ तो तुम देखना तुम अपने ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, तो तुम्हें अगर अभी भी तुम एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हो, रोज़ तुम इंस्टीट्यूट से जाने के बाद 4-5 घंटे तुम लोग सेल्फ स्टडी करते हो, मोटिवेट रहते हो, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ते हो, तो अभी भी तुम्हारा पेपर क्लियर हो सकता है। तो तुम लोग अभी डिसहार्ट मत हो, ये मत सोचो कि पेपर क्लियर नहीं हो रहा, मुझसे कोई स्ट्रेटजी मत पूछो, अपना फ़ोन खुद थोड़े दिनों के लिए टाइम दूर रख दो, सुबह जल्दी उठो या रात को लेट उठ के पढ़ो, तुम्हारे को जो लगता है तुम उस अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो, तुम देखना तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ये सिर्फ मैं तुम्हारे को पेपर के लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लाइफ में भी कभी सक्सेसफुल होना है तुम इसी अकॉर्डिंग चलो। आइए अब बजी दिमाग की घंटी, ठीक है, तो अब वीडियो देख ली होगी मेरी, तो अब पढ़ना शुरू कर दो।